वेलकम टू माई गाइड चैनल। माई गाइड चैनल में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एक फेमस मैथमेटिशियन पाइथागोरस के बारे में, उनके बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, उसे हम थोड़ा सा एक बार बता देना चाहते हैं आपको। और आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार जो प्रीवियस क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा था उनके ऊपर सरसरी निगाह देख लें। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने उनके एक कोटेशन को पढ़ा था, उसके बाद पाइथागोरस के जीवन का परिचय पढ़ा था, उनके बाद हमने उनके उल्लेखनीय विचार वगैरह पढ़े थे और शिक्षा के बारे में बात किया था। शिक्षा के बाद उनकी उपलब्धियाँ और सम्मान के बारे में हमने बात किया था। तो आज की क्लास में दोस्तों हम उनका गणित के योगदान में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं, ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उनका गणित में योगदान देखते हैं कि पाइथागोरस का गणित में क्या योगदान रहा। तो पाइथागोरस वैसे तो पाइथागोरस जी जो थे वो दार्शनिक भी थे और साथ साथ गणितज्ञ भी थे। जिस समय पाइथागोरस गणित के क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे उन दिनों कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय यूनान में पट्टियों और शिलालेखों का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इन सब के अभाव में पाइथागोरस को अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मौखिक रूप में ही करना पड़ा, यानी कि ओरली बोल बोल करके वो अपने जो भी नियम सिद्धांत होते थे वो बता दिया करते थे। और उनका गणित में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पाइथागोरस का गणितीय क्षेत्र में योगदान अग्रलिखित रूप में पता चलता है। चलिए उनका अब हम गणित में क्या योगदान रहा आगे डिस्कस करते हैं। तो अंक गणित में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि उनका अंक गणित में क्या योगदान रहा। तो पाइथागोरस का ये विश्वास था कि द्रव के गुणों का आधार संख्या है, ठीक है, इस कारणवश वह अंक गणित को उच्च स्थान देते थे। वह चार विधाओं को सर्वोच्च समझते थे, और ये चार विधा कौन से थे, ये थे अंक गणित, ज्यामिति, ज्योतिष और संगीत। ये चार विधा वो थे जिनको वो सर्वोच्च मानते थे, ठीक है। और वो कहते थे कि सारी सृष्टि मतलब सारी दुनिया की रचना गणित पर आधारित है। वह ये मानते थे कि पृथ्वी का सम षडफलक यानी कि जिसे इंग्लिश में रेगुलर पैरेलल पाइप्ड कहते हैं से बनी है, और अग्नि स्तूप पिरामिड से, वायु अष्टफलक ऑक्टेहेड्रोन से, और महाव्योम द्वादश फलक ये बने हैं डेडिकोहेड्रोन से, और पानी विशांति फलक आइकोसेहेड्रोन से बनी है, ये ऐसा उनका मानना था। पाइथागोरस का विश्वास था कि प्रकृति का आरंभ संख्या से ही हुआ है। वह संख्या को दो प्रकार के मानते थे, पहली सम जिसे इवन कहते हैं और दूसरी विषम जिसको ओड कहते हैं। उनके विचार अनुसार आकाश में एक बिंदु की द्योतक है और संख्या दो रेखा की, संख्या तीन तक की और संख्या चार ठोस की। संसार में 10 आधारभूत विपरीतियां हैं, इन विपरीतियों के मेल का ही नाम विश्व है। पाइथागोरस विषम संख्याओं को नर संख्याएं और सम संख्याओं को मादा संख्या मानते थे। वह संख्या एक को इडा यानी कि गोडेस ऑफ रीजनिंग की प्रतीक मानते थे क्योंकि वह अपरिवर्तनीय है। संख्या दो को वह सममिति सिमेट्री की द्योतक मानते थे, और इसी प्रकार संख्या चार न्याय की क्योंकि यह दो बराबर संख्याओं का गुणनफल है, दो गुणे दो। संख्या पाँच को वह विवाह का परिचायक मानते हैं क्योंकि अगर एक को संख्या ना माना जाए तो संख्या पाँच ही प्रथम नर संख्या है और प्रथम मादा संख्या का जोड़ 3+2 यानी कि 5 है, तो इसलिए वो 5 को विवाह का परिचायक मानते थे। संख्या 7 एकांत की निर्देशांक है क्योंकि पहली 10 संख्याओं में ना तो कोई गुणनखंड है और ना ही अपवर्तय। ये सारे विचार पाइथागोरस के थे। पाइथागोरस के सम और विषम संख्याओं के अतिरिक्त अग्रलिखित अन्य संख्याओं के विषय में भी उनके विचार कुछ इस प्रकार थे। त्रिभुजों की संख्या से रिलेटेड भी उन्होंने बात करी थी। तो देखिए त्रिभुजों के बारे में जैसा कि यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, तो पाइथागोरस ने जिन त्रिभुजी संख्याओं ट्रायंगुलर नंबर का अध्ययन किया था वे संख्या निम्न प्रकार थी, ठीक है दोस्तों। उन्होंने कुछ इस तरह से पॉइंट पॉइंट कर करके त्रिभुज बनाए थे, और पाइथागोरस की इस त्रिभुजीय संख्याओं में पहली त्रिभुज संख्या एक है। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 मिला करके सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज बनेगी, एक ही ट्रायंगल बन रही है। दूसरी संख्या
दूसरी त्रिभुजीय संख्या 1+2 यानी कि 3 है, और तीसरी त्रिभुजीय संख्या 1+2+3 यानी कि 6 है, चौथी इसी तरीके से 1+2+3+4 यानी कि 10 है। इस प्रकार जो हैं बहुत सारे क्रम बनते चले जाते हैं, तो त्रिभुजें आती चली जाती हैं। तो इस तरीके से पहले त्रिभुज 1, 3, 6, 10, 15, 21 इस तरीके से बनते चले जाते हैं। तो उपरोक्त संख्याओं से ये बात भी स्पष्ट होती है कि किसी भी श्रेणी का जोड़ जिसका आरंभ 1 से होता है सदैव एक त्रिभुजीय संख्या होती है। अब देखिए, त्रिभुज की संख्या के बारे में बात थी, अब वर्ग के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि वर्ग संख्या के बारे में यदि हम 4 में अगली विषम संख्या 9 जोड़ दें तो स्वयं एक वर्ग है, हमें 25 प्राप्त होता है जो 5 का वर्ग है। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि 3 का वर्ग निकालें, 4 का वर्ग देखें तो ये 5 के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर 1+3+5+7 ये पूरे देखेंगे तो ये 12 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अगली विषम संख्या 25 है जो कि स्वयं एक वर्ग है, इसे जोड़ने में 144+25 अर्थात 169 आता है और ये 13 का वर्ग है। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी बुक में बताई थी। आगे अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, तो जैसा कि अभी तक हमने ऊपर देखा था कि उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण की लंबाई खुद ब खुद ही कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पाइथागोरस द्वारा दिए गए बनाने वाले सूत्र से जितने समकोण त्रिभुज प्राप्त होंगे सबकी भुजाओं की लंबाई के अनुपात अपरिमेय होंगे, इरेशन होंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज के कोण 30 डिग्री है और 60 डिग्री के हैं हो तो उसके भुजाओं की लंबाई का अनुपात 1√3:2 होगा। इस प्रकार पाइथागोरस ने 2√3, 2√5 वगैरह वगैरह अपरिमेय संख्याओं से अपरिचित कराया। पाइथागोरस ने अपरिमेय संख्या के निकट मान निकालने के लिए एक सूत्र दिया है। माना कि यह र दो पूर्णांक संख्याएं जो निम्न समकोण समीकरण में से किसी एक को संतुष्ट करती है, ठीक है, 2y y का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यदि दिए गए मान समीकरण को संतुष्ट करती है तो भिन्न 2y प्लस r या y प्लस r अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 का एक निकट मान होगा। इसको चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। य की जगह पे हमने माना 0 है, र की जगह पे r है, 2y का वर्ग माइनस र का वर्ग जो है ये माइनस 2 हमने माना, तो वर्गमूल 2 का जो माना जाएगा वो 1/1 आ जाएगा। या फिर इसे हम सोल्व करेंगे तो अगर दूसरे एग्जांपल से, इसमें हमें य की जगह पे 1 ले लेते हैं, र की जगह पे 1, 2y का वर्ग माइनस र का वर्ग को प्लस 1 ले लेते हैं तो वर्गमूल 2 का मान 3/2 के करीब आ जाएगा। इस प्रकार पाइथागोरस के द्वारा दिए गए सूत्र अपरिमेय संख्याओं के निकटतम मान ज्ञात करने के हेतु अत्यंत उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग 400 ईसा पूर्व पाइथागोरस के अनुयायियों ने ही इन संख्याओं का पता लगाया था। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 वगैरह जो होते हैं जैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पूर्णांक के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आगे हम बात करें कि संगीत और अंक गणित में उनका क्या योगदान रहा, क्योंकि हमने देखा कि उनका इंटरेस्ट था इसमें भी। फर्स्ट वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि उनका हमने संगीत में भी इंटरेस्ट को अभिरुचि को उनका देखा था। तो संगीत और अंक गणित में उनका क्या योगदान रहा ये भी चलिए देख लेते हैं। तो ये बात उल्लेखनीय है कि पाइथागोरस ने पाश्चात्य संगीत का भी सुचारू रूप से अध्ययन किया था, उसके साथ साथ उसमें गवेषणा भी की थी। पाइथागोरस ने गणित संबंधी अपने ज्ञान को संगीत जैसे कलात्मक विषयों में भी उतारने का प्रयत्न किया। पाइथागोरस का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार ये था कि किसी तंतु वाद्य में तार की लंबाई के 1/2 पर रुकने से अष्टक ऑक्टेव का 8वां स्वर प्राप्त होता है, और 2/3 पर 5वां स्वर, और 3/4 पर 4था स्वर प्राप्त होता है। वाद्य यंत्रों में कुछ तार स्वर ऐसे होते हैं जो एक साथ बजने पर वे कटु लगते हैं, ठीक है। पाइथागोरस ने इसका कारण भी ढूंढ निकाला।
पाइथागोरस ने इस संबंध में बताया कि सितार आदि वाद्य यंत्रों के तारों की लंबाई जब एक दूसरे के साथ सरल अनुपात में होती है तब उन्हें एक साथ जोड़ने से उठने वाली आवाज़ में एक प्रकार की मधुर एक रस्ता स्वीट हार्मनी होती है। उदाहरण के लिए यदि एक तार को दूसरी तार से दुगना लंबा कर दिया जाए और दोनों की मोटाई और तनाव एक सा हो तो उन्हें एक साथ छोड़ने पर मधुर ध्वनि निकलेगी। यही स्थिति उस समय भी रहेगी जब तारों की लंबाई का अनुपात 2:3 या 4:3 हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट भी देखिए इसी तरीके से और भी उन्होंने संगीत में जो भी योगदान दिया था आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज्यामिति के बारे में कि ज्यामिति में उनका क्या योगदान था। तो पाइथागोरस ने जिन चार विद्याओं को सर्वोच्च स्थान दिया था उनमें से एक ज्यामिति भी है। उन्होंने इस गणित क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाइथागोरस ने ज्यामिति की बहुत सी परिभाषाओं का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी ज्यामिति प्रमेयों को भी सिद्ध किया एवं रचनाओं की विधियां निकाली जो इस प्रकार है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। एक बहुभुज का निर्माण करना जो क्षेत्रफल में एक दिए हुए बहुभुज के बराबर हो और एक दूसरे दिए हुए बहुभुज के समरूप हो। 5 बहुफलकों पॉलीहेड्रा की रचना करना, ठीक है, किसी रिजु रेखा कृति के समरूप और एक दूसरी रिजु रेखा कृति के बराबर एक अन्य रिजु रेखा बनाना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। इसके आगे रेखा गणित है, तो चलिए रेखा गणित के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पाइथागोरस ने गणित के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए रेखा गणित के क्षेत्र में भी। और उनके रेखा गणित के क्षेत्र में योगदान कुछ इस प्रकार थे कि रेखा गणित के क्षेत्र में प्रमेय एवं साधियों को तार्किक ढंग से प्रमाणित करने की आवश्यकताओं पर बल दिया था। निगमन विधि से प्रमाण देने की कला के सृजन में पाइथागोरस का महत्वपूर्ण योगदान है। और उनके अनुयायियों ने परिभाषाओं की ओर काफ़ी ध्यान दिया। उन्होंने समानांतर रेखाओं के गुणों का अध्ययन किया, तुलनात्मक क्षेत्रों पर आधारित रेखा गणितीय गणितिक बीजगणित को जन्म दिया, 5 समभुज फल की ठोसों पर काम किया और समानुपात के एक सिद्धांत का विकास किया। तो इस प्रकार उनके और भी गणित में योगदान रहे जैसे कि अंक गणित और रेखा गणित। गणित की शाखाओं में संबंध बनाए रखने पर भी पाइथागोरस स्कूल द्वारा जोर दिया गया। अंक गणित की संख्याओं को रेखा गणित का जामा पहनाया गया। 2 से 2 का गुणा करने के लिए पाइथागोरस ने 2 इकाई भुजा वाले वर्ग की रचना करने का प्रस्ताव रखा। इस वर्ग का क्षेत्र ही अंक गणित के प्रश्नों का उत्तर था। इस प्रकार पाइथागोरस ने गणित की शाखाओं में संबंध बनाए रखने पर भी जोर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आगे है बीजगणित में उनका क्या योगदान रहा, तो ये भी देख लीजिए। पाइथागोरस ने सिद्ध किया है कि पहली वर्ग संख्या 4, ये पूरे आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, पता चल जाएगा बीजगणित में उनका योगदान क्या रहा। और इसके साथ साथ उनका खगोल विज्ञान में भी बहुत योगदान था, जिसे पाइथागोरस ने जिस स्कूल की स्थापना की थी वह न सिर्फ गणित के क्षेत्र तक ही कार्य में सीमित था बल्कि गणित को अन्य स्थानों में भी खोजकर उसका संबंध गणित से संबंध स्थापित किया था। ठीक है, और उन्होंने बताया था ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। उनका विश्वास था कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है तथा ग्रह नक्षत्रों की परिक्रमा का पथ वृत्ताकार ही होता है, ये बात उन्होंने बताई थी। और उनके जो स्कूल थे उसी स्कूल ने सबसे पहले ये प्रमाणित किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि वो अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे परिभाषिक शब्दों का भी जन्म दिया जैसे कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला वगैरह जो आप 11th क्लास वगैरह में आप पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे पाइथागोरस के गणित में क्या योगदान था उसे हमने देखा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर
और कमेंट्स ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो.